उसको आज इसमें कवर करेंगे। आप लोग सभी लोग रेडी रहिए इसके लिए। आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है पहला क्वेश्चन, सभी को विजिबल है ना? एक बार अपने सभी लोग हामी भरिए कि आप लोग सब लोग रेडी है ना क्विजिंग के लिए। ओके ओके जी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आंसर आ गए, बहुत ही अच्छा जी। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे नीरज, बताइए आप। एड्रेनल ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर होती है, तो उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, सेक्स हार्मोन। वेरी गुड वेरी गुड जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जी दुग्धजनक हार्मोन्स का श्रावण कहाँ से होता है, कहाँ से वो निकलता है? वो ऑप्शन ए है स्तन ग्रंथि, पेटलेंस्टा और अंडाशय और पीयूष। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर देंगे प्रकाश मिश्रा जी, आप बताइए। ग्रंथि आप सब लोग का आंसर ए दे रहे हैं, मतलब कहाँ से स्रावित होती है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग जी। अभी आंसर सही आने लग गए हैं, क्वेश्चन को आप लोग पहले देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पीयूष ग्रंथि। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? जी इसका आंसर देंगे सबसे पहले शालिनी जी ने बताया है, तो आप ही माइक खोल दीजिए, इसका आंसर बताइए। ये इसका मस्तिष्क के आधार पे होती है। जी वेरी गुड, आपने बहुत सच बताया है। पीयूष ग्रंथि पीनियल पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये पीनियल हमारी ओके आ गया पिट्यूटरी जी, ग्लैंड है ना? मतलब पीयूष ग्रंथि मतलब अग्र मस्तिष्क के ना वो पश्च भाग में जो रहती है ना, हाइपोथैलेमस जो उसके नीचे में जो रहता है वो है। इसका पूरा आपको बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ने देते हैं। अब हमारे सामने प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थाई रखती है, ताप को हमारी स्थापी रखती है, वो कौन सी है आप बताइए। वो ताप बहुत स्थापी बढ़िया बहुत मतलब बढ़िया, मतलब ताप का नियंत्रण करती है, होम्योस्टेसिस, ताप मतलब कि टेम्परेचर को गर्मी कंट्रोल। ठंडी जी। हाँ, टेम्परेचर जी। बहुत बढ़िया, थर्मो सभी के आंसर रेगुलेटर अच्छे आ रहे हैं। इसका आंसर बताएंगे जी कमल मैम, इनका आंसर बताएंगी। हाइपोथैलेमस। हेलो मेरी जी, वेरी गुड, हेलो, बहुत अच्छा आंसर आपका। हाँ जी, आ गया आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करती हैं, कहाँ पर है इसका आप बताइए। नहीं विजय जोशी जी, आपने गलत आंसर बताया है जी। चितरंजन साहू जी के सही आंसर आए हैं अभी तक जी। जी मनोज जी, नीरज जी, सभी के आंसर अब सही आने लग गए हैं जी। हाइपोथैलेमस, यही तो हमारे शरीर चीज को नियंत्रण करती है ना, भूख पानी संतुलन प्यास जो भी रहता है वो सब चीज को, हमारी हाइपोथैलेमस इसे मास्टर ग्लैंड जी ऑफ मास्टर भी कहते हैं ना, मास्टर ग्लैंड ऑफ जी जी मास्टर। जी जी हमारे पीयूष तो है, मास्टर होती है, मान के चलिए कि वो बेटा है और दादा कौन है इसका, हाइपोथैलेमस दादा है, वो सब सबको कंट्रोल करके रखते हैं वो जी। अब हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को, सॉरी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रण करती है जी। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा जी। जी बहुत सही आंसर आ रहे हैं, सही है। राधिका जी इनका आंसर बताएंगी। हाइपोथैलेमस दीदी, जो बहुत अच्छा जी, आप बहुत अच्छा आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन होती जी, नीचे करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंट करिए मुनेन जी।
स्किन रुक गई है। रुक गई है आपकी स्किन। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ अभी प्रेजेंट होने लग गई। आया एक मिनट। आया दीदी। हाँ जी अभी आया है। हाँ अभी आ गया। आ गया ठीक है। निम्न में से कौन सा दो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करती है? आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। नहीं करती है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। जी लक्ष्मी मैम ने एकदम सही आंसर दिया है। जी, अब सबके आंसर सही आने लग गए हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छिपे हैं ऐसा मान के आप चल सकते हैं। जी आशा आशा ये मैम तो इनका करती है आंसर ना, बताएंगी। फिंगर तो करती है। जी पीयूष ग्रंथि। हाँ तो इसमें नहीं करती बोल। जी बहुत जी अच्छा नहीं मैम करती तो आपका। पीयूष। जी जी हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए मुनेन। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? मिश्रित पूछा है मैंने, है ना? मिश्रित। सही आंसर अभी तक सिर्फ आशा मैम का मुझे दिख रहा है। जी क्वेश्चन को समझिए। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। जी अभी सबके आंसर सही आने लग गए हैं। इसका सही अग्नाशय है। जी आगे बढ़िए। स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जी स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका आंसर देंगी हमें लक्ष्मी मैम। ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। मैमल में सबसे बड़ा जी ग्लैंड कौन सा होता है? ये क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा लीवर। मैमल में सबसे बड़ा जी ग्लैंड। सही ओके आंसर। जी, जी जी एकदम सही आंसर है इसका। लक्ष्मी दी हमारा पूरा ऑप्शन नंबर शुद्ध बी शुद्ध यकृत या फिर हिंदी, लीवर। शुद्ध हिंदी लिखी है लक्ष्मी दी पूरा। बच्चे पढ़े ही नहीं इसलिए आप लिखे हिंदी में। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? सॉरी क्वेश्चन हो सकती नहीं, होती है ऐसा है ये। जी इसका आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10। जी जी इसके आंसर आप जितने जने हैं उतने जने का रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई। जी स्वाति जी इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर लीवर है। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब इसका आंसर देंगे आप लोग। अभी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। जी इसका आंसर देंगी प्रेरणा जी। एड्रीनल ग्लैंड। हेलो नहीं एड्रीनल ग्लैंड सॉरी गलती है। पिट्यूटरी आएगा फिर। एड्रिनल तो नहीं। हाँ मतलब पिट्यूटरी नहीं। हमारे से अंतःस्रावी ग्रंथि में ना सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? कोई और आंसर देना चाहेगा इसका? थायराइड ग्लैंड। नीरज जी आप बताइए। थायराइड ग्लैंड। जी एकदम सही आंसर है इसका, थायराइड है। अंतःस्रावी में हमारी थायराइड है और बहिःस्रावी में हमारी पेनक्रियाज है। सॉरी मिश्रित आता है वो तो उसमें। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? जी इसका आंसर इसमें देखना पड़ेगा। जी किसी के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? जी आ रहे हैं दीदी, आ रहे आंसर हैं आ रहे हैं सर। उन्होंने भी जी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी जी दीदी। आपका नेट आ स्लो रहे हैं है। जी। मेरे में तो किसी का ही शो नहीं हो रहा है। दीदी सबका नेटवर्क आंसर आ रहा है प्रॉब्लम जो होगी। एक बार नॉर्मल एग्जिट करके दोबारा आप रिजॉइन कर लो।
एक मिनट करती हूँ। सभी के आंसर आ रहे हैं। लक्ष्मी जी, मीनाक्षी जी, लक्ष्मी जी, जयश्री जी, सबके आंसर आ रहे हैं। बी बोल रहे हैं सभी। हाँ, बी ऑप्शन सही है इसका, थायराइड। रंजन आगे क्वेश्चन पूछ। आगे क्वेश्चन, आगे आगे क्वेश्चन। 13 नंबर जी, आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, हो गया दिख रहेगा ना। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। ए, इसका आंसर करेंगे मनोज पाल जी। मैं नाम लेते जा रही हूँ आप। ठीक, ए ए ए ऑप्शन ए, बेंटिंक। ए बेंटिंक जी, मनोज जी आपका आंसर सही है। ए बेंटिंक इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। इसका आंसर देंगे योगा केयर के नाम से जो आईडी बना हुआ है ना, वो बताइए आंसर। सब का आंसर ए बी, ए बी आ रहा है आंसर। मीनाक्षी जी का ऑक्सीटोसिन, बी स्वाति जी का बी, जी आंसर बताइए किसका नाम आया था। योगा केयर कुछ बोले थे क्या दीदी? योगा क्योर, हाँ जी उन्होंने बता दिया, शायद नेटवर्क कर नहीं पाया। अच्छा, कोई ऑक्सीटोसिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसका क्लियर नहीं आ रहा आवाज। 15 क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से संबंधित है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर देंगे पूजा झा जी। जी सी सी मैम, अधिवृक्क है ना, एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी। आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है, आपने सही बताया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, इसका आंसर देंगे जयसूरी जी। ऑप्शन सी सी, ए लक्ष्मी कुमार जी, नीरज जी, सी 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 एड्रिनल आ गया आंसर। सेरोटोनिन नहीं जी, नहीं, ए एंड सी नीरज जी का, विजय जोशी सी एड्रिनल जी, एड्रिनल ग्रंथि जो है ए और जी, नहीं एड्रिनल जो एड्रिनल है ना, वही इसका आंसर सही है, इसका सी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, यह नर लिंग हार्मोन्स है, इनमें से बताना है आपको, नर लिंग हार्मोन्स बताना है आपको। सी सी सी, इसका आंसर प्रेरणा दुबे जी देंगी आप। जी एक मिनट दी, यह नर लिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, ये टेस्ट्रोजन होते हैं। अरे नीरज जी रुक तो जाओ, मैं बोल तो रही हूँ, जवाब दे तो रही हूँ, पता है मुझे टेस्ट्रोजन है। आपने डी बोल दिया, आपने डी बोल दिया था इसलिए। मैंने अभी मैं पढ़ रही थी ऑप्शन, नीरज जी रुक तो जाओ, थोड़ा सा गला ठीक हो गया तो बोलते रहोगे क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रणव जी आप चुप हो जाइए थोड़ी देर। चलो तो इसका आंसर होगा अपना टेस्टोस्टेरोन, सी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, आंसर कीजिए इसका। ए ऑप्शन, इसका आंसर देंगी प्रियंका जी। ए ए ए प्रियंका जी, प्रियंका जी आपकी आवाज आ रही है। लगता जी प्लीज, अगर नाम लिया जाता है तो माइक माइक तो आप ऑन कर दीजिए, नहीं आता तो नहीं, प्लीज पास बोल दीजिए।
ठीक है, लगता है हमारा आवाज उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसका आंसर करेंगे नीरज जी, कर दीजिए आप फिर, मुझे ज्यादा पता है। अच्छा बताइए आप जी, पहला जी एड्रेनल हार्मोन होगा। अच्छा जी, सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कार्पस लूटियम क्या स्त्रावित करती है, करता है? इसका आंसर पुष्पा लखेरा जी देंगी। इसका आंसर सी होगा, आया है मीनाक्षी। नहीं जी, आउट हो गए आप। मीनाक्षी भी आउट हो गए, विजय भी, जोशी भी आउट, नीरज भी इस बार आउट हो गया। ए ऑप्शन आया है, नया कौन लिया है भाई? लक्ष्मी कुमार जी। ठीक, लक्ष्मी कुमार जी ने पहला आंसर किया था ए, प्रोजेस्टेरॉन जो होती है इसका आंसर है। प्रोजेस्टेरॉन ये? अच्छा हाँ, प्रोजेस्टेरॉन है। स्लाइड दिखा दीजिए। प्रोजेस्टेरॉन लूटियस हाँ, महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक होता है, या प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, ऐसा है कुछ। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर है हमारे सामने, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा? ए बी ए, इसका आंसर देंगी प्रकाश मिश्रा जी। ए वाले बोल्ड हो चुके हैं, ए पीयूष ग्रंथि होगा। पीयूष ग्रंथि जी, आंसर सही आपका, पीयूष ग्रंथि। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव एक प्रकार का रोग है, किससे कारण होता है? इसका आंसर बताना है आप लोगों को। इसका आंसर मीनाक्षी देगी। मीनाक्षी, ये कौन रोग है, कौन सा रोग है? अच्छा मैं पढ़ दूंगा इसके बारे में क्या है करके, लेकिन दीदी रोग पहले बता दीजिए क्या, फिर मैं अपना दिमाग ला के बता दूंगी किसके वजह से है। हाँ, मुझे भी, मैंने भी पहली बार सुना है ग्रेव। चलो ठीक है, बी राधिका मेधवाल जी का आ रहा है, उसका आंसर सही है बी, ये थायराइड की। अच्छा ग्रेव मतलब घेंगा, घेंगा 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 रोग। ओके हाँ, तो ये थायराइड बोलते ना उसको दीदी, इसलिए ग्रेव समझ नहीं आ रहा। मैं भी हाँ ठीक है दीदी, तो थायराइड से होगा ये बी। हाँ देखिए, हमको आंसर के, हमारा आंसर ना सबका थोड़ा सा थ्योरी के रूप में है, आपको अच्छे से बात मिल जाएगा, है ना, इसके बारे में डिटेल आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको लास्ट में। ये 22वां नंबर क्वेश्चन वाला 21st में कौन सा है, थायराइड के दो हैं, 21st तक है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है तब थायराइड की अति अति सक्रियता से, हां थायराइड के बढ़ने से घेंगा रोग होता है। ठीक, 22वां नंबर क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं है कहां से, ये जो पेप्सिन जो स्रावित जो कोशिकाएं कहां स्रावित होती है, ये बताना है आप लोगों को। इसका आंसर दीपाली जी देंगी। ऑप्शन नंबर ए आया है अभी तक, बी ए। इसको इंग्लिश में बता सकते हैं क्या, जो सेल्स का नाम है? सेल्स दीदी इंग्लिश का भैया, मुझे इंग्लिश में पता है कि जाइमोसोम होता है। अच्छा जाइमोसोम, इंग्लिश में जाइमोसोम पता है, बाकी हिंदी का नहीं पता भैया। अच्छा चलो ठीक है, हम भी बता देते हैं इसका आंसर, कि मुख्य कोशिकाएं के रूप में बताया गया इसमें आंसर, कि पेप्सिन एक पाचक एंजाइम होती है जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, ऐसा है कुछ। ओके भैया, हाँ मैं एक बार बता देती हूँ कि ये जो हमने पढ़ा था ना एसिडिक वाले से, तो HCl निकलता है जिसको हम ऑक्सेंटिक बोलते हैं, मुख्य वाले को आइजाइमोसोम कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है? इसका आंसर रश्मि जी देंगी। सी, ये स्टमक, लक्ष्मी जी का सी, विजय जोशी का सी, सी सी मीनाक्षी, मनोज पाल का भी सी, ताप नहीं जी, शायद रश्मि जी का बात। हाँ जी, आ गया आ गया आ गया जी, आपका आंसर सही है, ताप नियमन से संबंधित है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को O2
दूध या फिर एडम्स एप्पल कहा जाता है? आंसर कीजिए आप। इसका आंसर प्रमिला जी देंगी। बी डी कांटों का बी बी क्या बोले जी प्रमिला जी? डी डी थायराइड उपस्थित। हाँ जी आप आंसर सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 25वां नंबर। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः अंडों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है आपको। इसका आंसर चंद्रकला जी देंगी। सी एक, वन एग। जी बिल्कुल सही आपका आंसर है, एक अंड की संख्या होती है। 26वां नंबर क्वेश्चन है, घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर योगा के अर्जी देंगे। जी सभी लोग लगा चुके हैं छक्का यहाँ पास पूरा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आयोडीन। जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, पता है आप सबको? इसका आंसर विजय जोशी जी देंगे। विजय जोशी जी एक ए ऑप्शन लिए हो आप, गलत है। बी बी जी जी गोइटर घेंघा जी जी। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन से ही संबंधित है कि आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है, किसमें लाभकारी होता है? इसका आंसर स्वाति जी देंगी। सी है, थायराइड से काम करती है। सी जी सही आपका आंसर, थायराइड के काम के लिए होता है इसका। 29वां क्वेश्चन है हमारे सामने, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, आंसर ए ए ए। इसका आंसर शालिनी जी। शालिनी जी एलानी जी आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मिलेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटी हार्मोन्स स्त्रावित करती है, एडिनोकोर्टिकोटिक हार्मोन्स। इसका आंसर रश्मि शर्मा जी देंगी। ऑप्शन सी सी ओ सी भी है, पीयूष ग्रंथि। नो और कोई होगा शायद, बी शायद ना, और कोई बताएगा? अभी तक आंसर आया ही नहीं है। लक्ष्मी कुमार जी बताएंगे इसका आंसर। यहाँ पे तो लिखा हुआ है पर ACTH हार्मोन का स्राव रियल होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। हाँ इसमें अधिवृक्क ग्रंथि को बताया गया आंसर लिया गया, वो उसमें ADTH है, वो उसमें ADH सॉरी हाँ ADH है उसमें। जी इसका आंसर के साथ आपको पूरा मिल जाएगा, इसमें एल्डोस्टेरोन होता है भैया। हाँ एल्डोस्टेरोन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका पिट्यूटरी ग्लैंड ही होगा, ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है अग्रभाग से। ओके आगे बढ़े जी जी। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन्स के कम बनने से होती है? इसका आंसर अंशुमन जी देंगे। जी मैम ए इंसुलिन। जी सही आपका आंसर, इंसुलिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो हृदय की गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करती है। इसका आंसर अर्पणा जी देंगी। नीरज जी आप बोल्ड हो चुके हैं। ओके आई थिंक कि हार्मोन सांस लेने की गति थायरोक्सिन होना चाहिए, सी होना चाहिए। अच्छा थायरोक्सिन नहीं आंसर, इसका होगा
ऑप्शन नंबर बी होगा अधिवृक्क हार्मोन्स होगा ये, ठीक है जी। आपको बाकी लोगों का सब आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? इसका आंसर आशा मैम देंगी। मैम की हाय कुछ करना जी जी। आशा जी आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन बड़ा है तो देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है। पहला, पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन्स को स्रावित करती है। दूसरा, थायमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है। तीसरा, वृक्षण नर लिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसका आंसर चंद्रकला जी देंगे। All is correct. सभी ऑप्शन सही, उपर्युक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी जी आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, सभी सही हैं ग्रंथि के संदर्भ में। पैंतीस नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है? जी इसका आंसर जयसूरी जी देंगे। अभी तक आंसर डी ऑप्शन आ रहा है सारे, ऑल ऑल जी जयसूरी जी, ऑल सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, छत्तीस नंबर से, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से गौनापन रोग होता है? नमस्ते जी आंसर नंबर है, इसका आंसर जय कृष्ण जी देंगे। एसटीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन जी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को ब्रेन हार्मोन एवं मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं? बर्थ हार्मोन जी, इसका आंसर कमल जी देंगे। हाँ जी, बी है ऑक्सीटोसिन जी, सही आंसर ऑक्सीटोसिन, सभी का आंसर सही आ रहा है। लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स के अल्प स्रावण से डायबिटीज इंडिपेंडेंस नामक बीमारी होता है? इसका आंसर लक्ष्मी दी देंगी। डायबिटीज थायरोक्सिन वैसोप्रेसिन लग रहा मुझे इसमें तो आंसर। जी जी वही आंसर सही है आपका, वैसोप्रेसिन। सी सही है नीरज जी। हाँ, 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरोक्सिन हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करती है? इसका आंसर मनोज पाल जी देंगे। मैम ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, टीएसएच हार्मोन जी, TSH हार्मोन्स इसका सही आंसर है। 40वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जनन क्रियाओं पर नियंत्रित करती है? इसका आंसर मीनाक्षी देंगी। सही इसका आंसर होगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जी मीनाक्षी जी, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? इसका आंसर नीरज जी देंगे। मीनाक्षी डी आउट। बी ए सही आंसर अभी तक नहीं आया। ए ए नीरज जी 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 इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, बट सभी गलकंड पे जा रहे हैं तो उसका आंसर शायद वही होगा। गलकंड सभी के साथ जा रहे हो आप। और कोई बोलना चाहेगा इस क्वेश्चन के बारे में? भैया सी तो नहीं है शायद। सी है क्या? हाशिमोटो। जी हाशिमोटो है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुनि। नहीं हो रहा है। हाँ अभी आया ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र एवं इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? इसका आंसर प्रकाश जी देंगे। एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ऑप्शन जी सही आंसर। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी नहीं है? इसका आंसर प्रमिला जी देंगी। डी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जी हाँ, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 44 नंबर, निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि है? इसका आंसर प्रेरणा देंगी। किनका नाम लिया मैम आपने? प्रेरणा, प्रेरणा दुबे जी। जी अभी तक सही आंसर मिल रहा है। जी मैं बताऊं अगला। एक मिनट बताती हूँ मैं। दी निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि है। मैं दी पैनक्रियाज वाली होती है इसमें। हाँ सही आंसर है आपका पैनक्रियाज। हाँ सही आंसर है प्रणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्रावण करती है? इसका आंसर प्रियंका जी देंगी। प्रकाश मिश्रा जी का सी आया, लक्ष्मी जी का सी आया, लक्ष्मी जी का सी सी सी। जी अब प्रियंका जी आप तक आवाज आ रही है कि कोई नहीं? चलिए पूजा झा जी आप बता दीजिए इसका आंसर। मैम ऑप्शन सी एंजाइम। जी आपका आंसर सही है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जी आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर पुष्पा जी देंगी। सी आएगा पीयूष ग्रंथि। जी सही आंसर है आपका पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावण होती है? इसका आंसर राधिका दी देंगी। ए बी दोनों दीदी डी वाला। ए बी दोनों जी नहीं थायरोक्सिन। बी बी जी आपका आंसर सही राधिका जी। थायरोक्सिन जो है ना वो है इसका आंसर। हां थायरोमासिन नहीं थायरोक्सिन। हां जी जी हां सुधार लीजिएगा। बहुत लोग अभी ऑप्शन नंबर बी लिए। हां बी लिए थे सभी सभी लोग। ठीक ठीक बी ही सही होगा भैया। हां जी किस हार्मोन की कमी से होता है? इसका आंसर रश्मि जी देंगी। भी मुझे नहीं पता इसका आंसर।
किसी को पता है बता दीजिए आप। ये थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होता है उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से क्रेटिज्म जो जड़ मानवता वाला रोग हो जाता है। जी अर्पणा जी, आंसर सही है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन सही है। लैंगरहैंस की कोशिकाएं से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्त्राव होती है? अल्फा कोशिकाओं से बताना है आपको, सॉरी। इसका आंसर ऑप्शन बी वाले चेक करेंगे अपना आंसर। शालिनी जी आप इसका आंसर दीजिए। ग्लूकागन ए है जी, ग्लूकागन आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है आपको। पहला, हार्मोन्स विशेष उत्तरकों या अंगों पर काम करती है। दूसरा है, हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तीसरा, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है। इसमें कूट दिया गया है, उसको चयन कीजिए आप लोग। इसका आंसर कमल जी देंगी। ऑप्शन बी ए ए आ रहा है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं उसमें। जी जी, आप थोड़ा समय ले लीजिए। ए सी, चंद्र कोठारी जी सी कहना इसका। रश्मि जी का ये आंसर, नीरज जी का भी ये आ गया। नो नो, मुझे तो बी लग रहा है। बी, हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। अच्छा, इसका आंसर सी होगा। ओके, 1 2 3 सही, इसका सभी सही होंगे इसका। लेकिन अंतःस्रावीय ग्रंथि से हार्मोन का कम या ज्यादा मात्रा में स्रावित होना ही तो बीमारी का कारण है। वो तो अपने अनुसार रिलीज होता है, कम में हो जाए तो भी बीमारी, ज्यादा हो जाए तो भी बीमारी। हाँ दीदी, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्थायित होती है, कमी ज्यादा कमी कम मात्रा में निकलती है ना। नहीं नहीं, कम कंट्रोल्ड वे में निकलती है भैया। अच्छा, हाँ, कि जितना उसके लिए सही होता है वो। हाँ हाँ, इसका क्या आंसर राइट है? इसका फर्स्ट और सेकंड होगा, ए होगा, ए फर्स्ट होगा, ए होगा। मात्रा में ना, कम मात्रा में इनके यूज से हो जाएगा। इनके तरफ से ये बताया गया है कि उसकी क्वांटिटी लेस होती है, ना कि वो अपने वॉल्यूम से कम और ज्यादा। यहाँ इनका ये मतलब है कि उनकी क्वांटिटी लेस होती है, वॉल्यूम जो होता है वो। हाँ जी, जी जी, सही कहा आपने ये जी। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट आएंगे। ओके भैया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 नंबर। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? बस चार क्वेश्चन बचा है, चार क्वेश्चन बचा है बस। कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? क्वेश्चन कुछ और दिख रहा है। क्वेश्चन दूसरा भैया, तो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है जो होगा, सॉरी, एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। इसका आंसर राधिका जी देंगी आप। जी दीदी, एक ग्रंथि का नाम बताइए। इसका इंडोक्राइन होगी, नलिका होती है ना इनमें, अंतःस्रावी ग्रंथि। दीदी नहीं, दीदी
इसका होगा बाहक का मतलब यहाँ पर बाहक का मतलब डक्ट है फर्स्ट होगा भैया डक्ट है डक्ट से रिलेटेड डक्टलेस है या डक्ट मतलब नली का है या नहीं है ये मुझे समझ नहीं आया नलिका है एंडोक्राइन में नहीं रहती है एक्सोक्राइन में रहती है नलिका है जो बाहर की चीजें है ना उसको आपको नलिका की जरूरत पड़ती है पहुंचाने के लिए लेकिन अंदर के स्त्राव के लिए नलिका की जरूरत नहीं पड़ती है तो वो बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है इसका आंसर जय कृष्ण जी देंगे पिट्यूटरी ठीक आंसर सही है आपका जी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए वाले चेक कर लें अपना आंसर भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है इसका आंसर स्वाति जी देंगी पैराथायराइड जी इसका आंसर हमारे सामने तो डी नजर आ रहा है मुझे थायराइड ग्रंथि है करके नहीं कैल्सिटोसिन हार्मोन पैराथायराइड से सीक्रेट होता है ना तो वो कैल्सिटोसिन ये करता है कैल्शियम का स्तर मेंटेन करता स्वाति जी क्लियर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो रिपीट हो गया क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो गया 54 पहले भी आ गया था क्वेश्चन है दूसरा है अच्छा उस चल बता दीजिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो हृदय गति सांस लेने की दर रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करती है आप ही बता दीजिए नीरज जी इसका आंसर जी एड्रेनल ग्लैंड होगा ये रिपीट हो गया पहले भी आया था ये क्वेश्चन जी हमने जो पहले पढ़ा था ना वो हाइपोथैलेमस के संदर्भ में पढ़ा था कि वो ताप दाग भूख प्यास जो भी है ना उनका नियंत्रण करती हैं ठीक है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस इसका आंसर लक्ष्मी जी देंगी जी जी हाइपोथैलेमस हाँ लास्ट नंबर क्वेश्चन है ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है आप लोगों को पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि हो चुका है मेरे ख्याल से क्या नहीं पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन्स स्त्रावित करती है दूसरा थायमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के हो गया रिपीट हो गया भैया क्वेश्चन ये वाला नहीं रिपीट हो गया डी डी है सभी हेलो क्वेश्चन रिपीट है मैं बोल रहा था इनसे कोई नहीं दोबारा देखेंगे जी डी होगा इसका भी हां डी है इसका आंसर जी यहां पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए मैम एक क्वेश्चन पूछा था 51 नंबर ये आया जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए